हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरी चैनल पर। दोस्तों, आपके सामने एक हारियर गाड़ी है। जो हारियर गाड़ी का एक कंप्लेंट था, जो म्यूजिक सिस्टम हैंग हो जाता है, जैसे ब्लैक हो जाता है जब भी आप कॉल करते हैं ब्लूटूथ कनेक्शन करके, या जब भी बैक गियर डालते हैं तो वो हैंग हो जाता है और कुछ स्विच काम ही नहीं करता, टॉच वॉच कुछ काम नहीं करता। तो दो सोल्यूशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक है परमानेंट सोल्यूशन जो आपके डीलर के पास मिलेगा, और एक टेम्पररी सोल्यूशन जो आपके पास होगा। तो जब भी आप कहीं दूर जगह पे होंगे तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे आप जब आएंगे यहाँ पर, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखिए, उसका म्यूजिक सिस्टम है जो हैंग होके पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगा कि पहले आप जानेंगे कैसे कि इसका वर्सन क्या होता है। लेकिन अभी इसका लाटेस्ट वर्सन अभी आया है 10.00, लेकिन इसमें कितना है आप देख सकते हैं। मैं दिखा दूंगा। सेटिंग में जाइए और इसको क्लिक कीजिए और नीचे आइए। सॉफ्टवेयर डिटेल्स में देखिए 0.09.02, यानी कि 9.02 का इसका वर्सन है। लेकिन लाटेस्ट अभी इसका हुआ है 10.00, जिसकी ये कम होने के कारण ये हैंग होता है। जो नया सॉफ्टवेयर डालेंगे तो ये परमानेंटली सॉल्यूशन उसका निकल आएगा, लेकिन जो टेम्पररीली होता है वो आपके कैसे करना है। जैसे कि आपका टाइम नहीं है आप डीलर के पास आने के लिए, तो आप क्या करें, तो एक काम कीजिए, आपका जो बैटरी टर्मिनल है, जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको एक मिनट के लिए निकाल दे। निकालने के बाद एक मिनट के बाद उसको फिर से लगा दोगे तो सिस्टम आपका जैसा था वैसा हो जाएगा, जैसा था वैसा हो जाएगा। और ये बार बार करने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो दो चार बार अगर होता है कीजिए, नहीं तो डीलर के पास चले जाइए। सबसे अच्छा है डीलर के पास आना है, तो डीलर के आने पर कहेंगे कि जो मेरा हैंग होता है, तो वो आपको एक नया जो सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो सॉफ्टवेयर कैसे अपलोड होगा आप जानेंगे कैसे कि सॉफ्टवेयर अपलोड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। ये जो मेरे हाथ में पेन ड्राइव है, उसी में 10.00 का जो लाटेस्ट सॉफ्टवेयर है इसी में है। जहाँ पे पेन ड्राइव जहाँ पे लगता है वहीं पे लगाना पड़ेगा, और लगाने के बाद मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको अपलोड होता है। आप देख सकते हैं, देखिए वो कैसे करेंगे कि जो आपका स्विच देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो 6 स्विच होता है उसमें आपका 2, 4, 6 एक साथ में दबाना है। कैसे दबाना है मैं दिखाता हूँ। देखिए 2, 4, 6 एक बार में प्रेस कर दो। देखिए आगे आपका अपडेट सॉफ्टवेयर, जो अपडेट सॉफ्टवेयर उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका आ गया 10.00, जो मेरे पेन ड्राइव में है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए वैलिडेशन इन प्रोग्रेस रिफ्रेशिंग विल स्टार्ट नाउ वो लिख लिया। ये देखिए ऐसा है कि चार ऑप्शन वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ जब सब पूरा एंड तक जब आ जाएगा ये कम्प्लीटली लिख देगा कि सक्सेसफुल। बटन पैनल है, सिल्वर बॉक्स है, डिस्प्ले है और टोटल, यहाँ तक सब एंड हो जाएगा तब ये कम्प्लीट हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा कि कम्प्लीट होने के बाद कैसे होता है। देखिए लिख दिया सॉफ्टवेयर हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली, ये रिस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए ऐसा आ जाएगा। आप सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या नहीं ये डीलर आपके किया नहीं कैसे जानेंगे, फिर से वही सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर डिटेल्स में जाना है। सॉफ्टवेयर डिटेल्स के जाने के बाद आप देखिए सॉफ्टवेयर हो गया 10.00। जब ये हो जाएगा तो आपका जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो टेम्परली आपको बताया था कि आप जो टर्मिनल खोल के उसके एक मिनट के बाद लगाएंगे तो वो भी सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन वो टेम्पररी है और ये परमानेंट है। जब भी जाएंगे तो डीलर तो ऐसे ही वो 10 मिनट लगेगा उनको करने में, तो 10 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि अपडेट हुआ है नहीं। और आपको जब भी डीलर के पास फोन मारेंगे कि लाटेस्ट अपडेट क्या आया है वो आपको बता देंगे कि यही लाटेस्ट आएगा, तो आप यहाँ पे देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये आपका लाटेस्ट है या पुराना वाला। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।